हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफी दिनों बाद फिर से तुम्हारा भाई ओटीटी की वीडियो लेके हाजिर हो चुका है। हालांकि दिल नहीं करता, मन नहीं करता, लेकिन आप सबका प्यार है जिस वजह से वीडियो बनानी पड़ती है। क्योंकि आप तो जानते हो भाई, पहला चैनल चल चुका है, दूसरे चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे और काफी अच्छे खासे व्यू आने के बाद भी लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो यार कर लो, आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिन देरी किए। तो सबसे पहले बात करने वाले फिल्म कब्जा की। कब्जा जो कि कन्नड़ इंडस्ट्री की एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन लोगों को खास पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ लोग इसे ओटीटी पर देखना। तो आपको बता दूं कब्जा फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट तो निकल के आ चुकी है, जो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को इसे साउथ लैंग्वेजेस में डाल दिया जाएगा अमेज़न प्राइम पे, लेकिन हिंदी का अपडेट जो है वो कंफर्म नहीं है कि हिंदी में आएगी या नहीं आएगी। तो 14 अप्रैल से पहले हम आपको इसका अपडेट दे ही देंगे दोस्तों। वहीं बात करने वाले हैं दूसरी फिल्म जो होने वाली है शहजादा, जिसको 1 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। यार देखो, सारे ट्वीट किए गए और सारी टीम जो भी थी फिल्म की सबने ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया, लेकिन पता चला कि भाई वो अप्रैल फूल आपका बना रहे थे और मेरा तो खुद बना डाला। तो इस फिल्म को पहले की तरह जो मैंने आपको बताई थी रिलीज डेट, यानी कि 14 अप्रैल को ही रिलीज किया जाएगा नेटफ्लिक्स पे दोस्तों। वहीं बात करने वाले हूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सैजाम। जी हाँ दोस्तों, सैजाम जो कि हाल फिलहाल के अंदर ही सिनेमाघरों में रिलीज की गई है, जो कि ठीक ठाक चली थी और अब तो नहीं चल पा रही है। लेकिन हाँ, इंडिया में नहीं चल पा रही है, लेकिन विदेशों में काफी ठीक ठाक चली है। लेकिन हम देखना चाहते हैं इसे ओटीटी पे, तो उसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि इसी महीने ये फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि 18 अप्रैल को वीओडी पर देखने को मिल जाएगी, जो फिलहाल आपको अमेजन प्राइम पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल भाई साहब इसे इंग्लिश में ही रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में ही, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, यानी कि बहुत दिनों बाद जून के अंदर इस को मिड जून के अंदर अमेज़न प्राइम पे फ्री रिलीज कर दिया जाएगा, जहां ये आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। जिसने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बिल्कुल फ्री नहीं कह रहा मैं। लेकिन वही बात करने वाले हम नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली किड 3 हाल फिलहाल के अंदर अमेज़न प्राइम पे आने वाली है, जो कि सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन इसे रेंट पर रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि 21 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन दुखद खबर यही है कि भाई साहब ये फिलहाल इंग्लिश में आ रही है, इसे हिंदी में नहीं किया जा रहा है, और ये उसके 2 महीने बाद हिंदी में अमेज़न प्राइम पे डाल दी जाएगी, जहां पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी मिल जाएगी इंग्लिश के साथ साथ। तो ये काफी दुखद है यार, देखो रेंट पे ला रहे हो तो हिंदी में तो लाओ यार, कम से कम ऑडियंस देख सके। वहीं बात करने वाले नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली अयोध्या। अयोध्या एक तमिल फिल्म होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट मैंने आपको 30 मार्च बताई थी। तो भाई कंफर्म ये टीम वालों ने ही किया था, लेकिन अब इस फिल्म को 7 अप्रैल को रिलीज किया जा रहा है, जो कि फिलहाल देखो तमिल में ही आ रही है, तो हिंदी ऑडियंस के लिए तो ये काम की है नहीं। फिलहाल इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना चाहते हो तो हां, इसे आप देख सकते हो। वहीं बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वश, गुजराती फिल्म, जिसके लिए काफी सारे कमेंट आते थे। फाइनली इस फिल्म को सीमाणू मी के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया गया है। तो ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिलेगी, इस फिल्म को 14 अप्रैल तक रिलीज किया जाने वाला है, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट यानी कि रिलीज डेट अभी आने वाली है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लिस्ट तो हो चुकी है सीमाणू मी के गुजराती प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, वही बात करने वाला हूं एक और गुजराती बड़ी फिल्म राडो, जिसका 5 महीने से तो कर ही रहे हैं यार लोग कमेंट। तो फाइनली इसको भी लिस्ट कर दिया गया है सीमाणू मी के प्लेटफॉर्म पे। और इस फिल्म को कब तक रिलीज किया जाएगा, तो जैसे भाई बस फिल्म आएगी 14 अप्रैल को, तो उसके बाद यानी कि 21 अप्रैल तक राडो को भी रिलीज कर दिया जाएगा सीमाणू मी के प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, वही बात करने वाला हूं अवतार 2, जो कि देखो काफी सारे वीओडी प्लेटफॉर्म पे यानी कि रेंट पे आ चुकी है, लेकिन इंग्लिश में आई है, हिंदी में कब तक आएगी। तो देखो हिंदी में इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट मैंने आपको बताई थी कि जून में ही जाकर रिलीज होगी। तो फाइनली ये जून के अंदर ही रिलीज होगी, जिसकी रिलीज डेट निकल के आ रही है 2 जून। जी हां दोस्तों, 2 जून, यानी कि अच्छा खासा टाइम है। बाकी तो सब जानते हो यार, जुगाड़ कर करोगे, कहीं ना कहीं से हिंदी देख ही रहे होंगे इतने समझदार। लेकिन वही बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली काली झोटा, जो कि पंजाबी एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है, रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे। फाइनली भाई चौपाल ने इसे लिस्ट कर लिया है, अब चौपाल ने लिस्ट कर लिया, लेकिन इसकी रिलीज डेट रिवील नहीं की गई है। तो ये फिल्म अप्रैल में ही रिलीज होगी, जिसकी रिलीज डेट निकल के आई है 14 से लेकर 21 अप्रैल, यानी कि 14 अप्रैल को आएगी या 21 अप्रैल को आएगी, तो यही रिवील होना बाकी है, जो जल्दी हो जाएगा यार। वही बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है तू झूठी मैं मक्का। जी हाँ दोस्तों, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, ये फिल्म सिनेमाघरों में ठीक ठाक अभी चली, अच्छी खासी कमाई अब भी करी है, 50-60 लाख रुपए अब भी कमा। तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे कब आएगी, तो अपने टाइम पे आने वाली है, जो टाइम मैंने इसका बताया था, यानी कि 3 मई को ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी, उससे पहले फिल्म नहीं आ रही। वही बात करने वाला हूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रोमांचन, जो कि एक मलयालम फिल्म होने वाली है, और मलयालम फिल्म तो है, लेकिन ये फिल्म देखो मलयालम के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज की जाने वाली है 7 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हिंदी में भी आ रही है, तो आपके लिए तो काम की होने ही वाली है। वही बात करने वाला हूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली मिस्टर चटर्जी वेस नॉर्वे, जिसे 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था, 20 करोड़ पार कर गई, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन कर गई, फिल्म का कॉन्सेप्ट कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। तो अब इस फिल्म को देखना चाहते हैं लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बता दूं इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो 12 मई को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, यानी इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी यार नहीं रुकना चाहता तो सिनेमाघर जाके इसे देख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं बात करने वाला हूं एंटमैन 3। जी हां दोस्तों, एंटमैन 3 की अपडेट मैंने आपको काफी बार दी है, जहां पर मैंने बताया था कि इस फिल्म को 14 अप्रैल तक रिलीज कर दिया जाएगा,
डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब इस फिल्म का जो थोड़ा रिलीज डेट है वो डिले हो गई है, जिस फिल्म को 21 अप्रैल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल तक के लिए इसे शिफ्ट कर दिया जा रहा है, तो ये थोड़ी सी दुखद खबर तो है ही यार। लेकिन वही बात करने वाले हम नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मिस अंडरकवर। हाल फिलहाल के अंदर राधिका आप्टे की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है मिस अंडरकवर, जो कि 14 अप्रैल को G5 पे देखने को मिल जाएगी, यानी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पे ये आ रही है यार। वही बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है स्क्रीम 6, और ये फिल्म देखो हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो कि हाल फिलहाल में सिनेमाघरों में आई है, लेकिन अब ये आपको 25 अप्रैल को VOD पे देखने को मिलने वाली है, यानी कि वीडियो और डिमांड पर रेंट पर देखने को मिल जाएगी। जो फिल्म फिलहाल तो देखो इंग्लिश में आ रही है, इंग्लिश में यार मुझे तो पता है यार, जहां तक रेंट पर फिल्म आती है इंग्लिश में आती है, तो हिंदी में भी डाल देकर ताकि ऑडियंस और भी ज्यादा खरीदे। वही बात करने वाला हूं मैं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सेल्फी। देखो सेल्फी को भी 31 मार्च को रिलीज किया जाना था, लेकिन ये भी सबके लिए अप्रैल फूल ही बनाने वाली बात थी, तो ये अप्रैल फूल लोग बने और मैं तो खासकर बन ही गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है पहली जो तारीख थी, यानी कि 21 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा, जिसकी अपडेट मैंने आपको सबसे पहले दी ही थी। जी हाँ दोस्तों, वही बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है भोला अजय देवगन की। ये एक बेहतरीन धमाकेदार फिल्म, क्योंकि सिनेमाघरों में ठीक ठाक चल रही है, अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है, लेकिन अभी से OTT पे कब रिलीज किया जाएगा, जो सिनेमाघर नहीं जा पाए वो ही पूछ रहे होंगे मेरे भाई दोस्त। तो आपको बता दें इस फिल्म को Amazon Prime पर रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट है 12 मई। जी हां दोस्तों, वही बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है दशहरा नानी की। ये बेहतरीन धमाकेदार फिल्म, जिसका कॉन्सेप्ट कहानी मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई, तो इस फिल्म को भी लोग OTT पर देखना चाहते हैं। तो आपको बता दें इस फिल्म की जो राइट है वो नेटफ्लिक्स के पास है, लेकिन हिंदी के नहीं है, यानी कि तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम, यानी चार ही भाषा के राइट है, जिस फिल्म को 6 वीक बाद यानी कि 12 मई तक रिलीज करना है नेटफ्लिक्स पे। लेकिन आपको बता दो हिंदी की जो राइट है वो बताए जा रहे हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, तो देखते हैं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, मुझे लग रहा है ये राइट भी शायद नेटफ्लिक्स ही खरीदने वाला है। तो देखते हैं भाई सब ये आएगी या नहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में, लेकिन फिलहाल तो हिंदी में नेटफ्लिक्स पे नहीं आने वाली, जो कि 12। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली जॉन विक चैप्टर 4, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, यानी कि आप कह सकते हो ये एक नियोनोर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इसके अंदर एक्शन इतना जबरदस्त भरा हुआ है, जिस फिल्म सिनेमा घरों में देखने के बाद ही फुल मजा आएगा, लेकिन कुछ मेरे भाई दोस्त नहीं जा पाए, नहीं देख पाए। तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म का हाल फिलहाल में VOD होने वाला है, जो कि आपको जल्दी यानी कि 23 मई को देखने को मिलने वाला है, जो कि रेंट पे देखने को मिलेगी, लेकिन इंग्लिश में। हिंदी में देखना चाहते हो तो थोड़ा और वेट करो, क्योंकि भाई ये एंड ऑफ जून तक आपको लाइन गेट प्ले के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहीं पर जॉन विक की तीनों फिल्में और भी पड़ी हुई हैं, जिसने नहीं देखी देख सकता है, क्योंकि वहां हिंदी में है वो फिल्में। अब बात करने वाला हूं देखो दो बड़ी फिल्में यानी कि भेड़ी और विक्रम वेदा की। तो आपको पता है जियो को हाल फिलहाल में फ्री कर दिया गया IPL के लिए, और IPL मैं भी देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन विक्रम वेदा और भेड़िया का जो भी इंतजार कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं इस फिल्मों की जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो अप्रैल में ही होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो अभी तक तो नहीं हुई है, यानी कि एंड ऑफ अप्रैल तक इन दोनों में से एक फिल्म आएगी, देन उसके एक हफ्ते बाद ही दूसरी फिल्म आ जाएगी। तो हो जाए मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि आप भी यही चाहते होंगे, मैं खुद तो करा नहीं सकता। तो यही थी वो वीडियो जिसके अंदर काफी सारी OTT फिल्मों की रिलीज डेट कर दी गई है कंफर्म, तो इनमें से कौन सी फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार कमेंट में जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के लिए, और छोटी मोटी अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे तुम्हारा भाई छोटी मोटी अपडेट देता ही रहता है। जब तक के लिए बाय बाय यार।